बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सदीकी। चिल्ड्रंस के आलम दिन के मौके पर एक स्पेशल एपिसोड के साथ हम आज पीएफ म्यूजियम कराची में मौजूद हैं। बच्चा हमारा मुस्तकबिल है और ये मुस्तकबिल के मेमार आज यहाँ चिल्ड्रन डे के हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुरतब किया गया है, उसमें यहाँ ये बच्चे मौजूद हैं। बच्चों की तफरी जो है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की तफरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी जिस्मानी सेहत के लिए भी और जहनी सेहत के लिए भी। अगर बच्चों को तफरी के मौके फराहम ना किया जाए तो बच्चे ना सिर्फ बीमार पड़ जाते हैं बल्कि उनकी जहनी सलाहियत भी बहुत कम हो जाती है। यहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ बच्चे मौजूद हैं जो दूर दूर से स्कूलों से तशरीफ लाए हैं। यहाँ तकरीबन पीएफ म्यूजियम में आज 20,000 से जायद बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे यहाँ पर खेल कूद, यहाँ तफरी फराहम कर रहे हैं। यहाँ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने इन बच्चों की तफरी के लिए यहाँ पर म्यूजिक के प्रोग्राम्स, नगमे, बहुत सारी जो है तफरी की जो है वो एक्टिविटी यहाँ पर हुई है सारा दिन। हमारे साथ यहाँ पर कमिश्नर कराची भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल की वो भी हमारे साथ मौजूद है, रफिया जावेद, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आया के बच्चों की जो तफरी है वो कितनी ज़रूरी है। बच्चों को अगर तफरी के मौके फराहम ना किया जाए तो बच्चों पर क्या असरात मुरतब करते हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हमें कमिश्नर कराची ने भी ज्वाइन किया है, यहाँ हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। पहले हम बच्चों से गुफ्तगू करते हैं कि आया के वो यहाँ पर आए हैं तफरी के मौके, क्या उनको माँ बाप के साथ तफरी करना ज्यादा अच्छा लगता है या अपने टीचर्स के साथ। यहाँ हम बच्चों से बात करते हैं। नाम क्या है और कौन से स्कूल से आए हैं आप? विजन हाउस स्कूलिंग सिस्टम से आए हूँ मैं और मेरा नाम इकराम है। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ आप लोग आए हैं, आपका चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, यहाँ आपने किस तरह की तफरी की है? बहुत ही तफरी अच्छी की है माँ। आपका नाम क्या है? हबीबा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं स्कूल नहीं लगी अभी। हाँ, यहाँ पे क्या करने आए थे आप? हम लोग पार्क गए थे, रात को लोहड़ी थी। यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ क्या क्या खाया आपने? मैंने जाली। क्या हो रहा था यहाँ पर? नाम क्या है, कौन से स्कूल से आप? अल्फा, और मेरे स्कूल का नाम है वियन हाउस। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आए हैं पिकनिक पे, तो आपको अम्मी अब्बू के साथ ज्यादा अच्छा लगता है या टीचर्स के साथ आना? दोनों के साथ। दोनों के साथ। कितना मजा आया आपको यहाँ पे? बहुत ज्यादा। क्या क्या खाया आपने यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं, मैं चीज लाई थी और वो खाई है बस। चले नाजरीन, और भी बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आया कि वो कितनी तफरी यहाँ पर कर रहे हैं और क्या तफरी के मौके उनको फराहम किए गए यहाँ पे। बेटा, आपका नाम क्या है? उस्कान गुलाम यासीन। अच्छा, आप कौन से स्कूल से हो? विजन हाउस स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, आपने यहाँ किसी टेबलो में किसी चीज में हिस्सा लिया था? ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आपको कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ठीक है, मुझे बताएं, टीचर्स के साथ आना ज्यादा अच्छा लगता है या यहाँ पर पेरेंट्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों के साथ। दोनों के साथ जी। तो आप जो आपके जो दोस्त आपके साथ आए हैं उनके साथ ज्यादा एंजॉय करते हो या फैमिली के साथ? दोनों के साथ, दोनों ही नॉर्मल है। फ्रेंड्स के साथ कैसा लग रहा है आपको एंजॉय करना? अच्छा जी। बेटा, अपना नाम बताइए, आपका कौन से स्कूल से ताल्लुक है? मेरा नाम रुखसाना है, मैं अलकादर स्मार्ट कैंपस से हूँ। ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ पर चिल्ड्रंस डे मनाया गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स मुरतब किए गए, कैसा लगा? अम्मी अब्बू के साथ? जी, मैं अम्मी अब्बू के साथ आई थी और यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई लव दिस प्लेस वेरी वेरी वेल। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या आपने यहाँ पर एंजॉय किया, किस तरह लगा आपको? अम्मी अब्बू के साथ आप पिकनिक पे आते रहते हो लेकिन यहाँ दोस्तों के साथ आए हो, टीचर्स के साथ आए हो, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे गेम्स भी है, टॉयज भी मिलते है, मुझे बहुत ही मजा आया। और कोई खास बात यहाँ पे पार्क में? हाँ, और यहाँ पे हमने अपना टैबलो भी किया, बिलीवर्स। हमारे साथ एक बहुत भोलू से और एक प्यारी से हमारे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस स्कूल से आए हैं और कितना इन्होंने एंजॉय किया है यहाँ पर। आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल से आए हैं?
मेरा नाम अली है, मैं पढ़ता हूँ और काजल स्मार्ट कैंपस में। क्या यहाँ पर आपने एंजॉय किया, कितनी तफरी की यहाँ पर? बहुत तफरी की, बहुत ज्यादा। क्या क्या खाया यहाँ पे? वहाँ पे मैंने फ्राइज खाए और मैंने कोक पी और आइसक्रीम खाया और क्या खाया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया बस। अम्मी अब्बू के साथ एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है या टीचर्स के साथ आए हो, अपने दोस्तों के साथ आए हो, ज्यादा एंजॉय किया? मैं दोस्त इतने नहीं आता, अम्मी अब्बू के साथ एंजॉय करूंगा, इसलिए अम्मी अब्बू के साथ एंजॉय किया। आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से आप? मेरा नाम सबरुल है, मैं अलशेबाद स्कूल अलशेबाद चिंता अकेडमी स्कूल में जरे तालीम हूँ। यहाँ पे हम आए जॉब कर रहे हैं, स्कूल वालों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से स्कूल वाले भी हैं, सब आप सबको देख रहे हैं। यहाँ पे झूले भी है, कुछ अच्छा चीज भी है। बेटा आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम हबीबा और मैं ग्रीन ट्री स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपने क्या यहाँ पर तफरी के मौके आपको फराम किए? यहाँ बहुत सारे बच्चे जमा हुए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए, किस तरह आपने एंजॉय किया यहाँ पे? मैंने बहुत एंजॉय किया, जब झूले खाए और प्रोग्राम था उधर, तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत ज्यादा मजा आया इधर आके। कैसा लगता है आपको तफरी, कितने दिन तक याद रहेगी ये? बस याद रहेगी ये वाली तफरी, अपने फ्रेंड्स के साथ आए, बहुत ज्यादा इधर मजा आया है म्यूजियम में। और ये आप क्या क्या देखा आपने यहाँ म्यूजियम में? म्यूजियम में ये प्रोग्राम हो रहा है डांस, और हमने झूले वूले किए उधर भी, गए थे म्यूजियम के अंदर भी गए थे, बहुत मजा आया इधर बहुत ज्यादा। यहाँ जहाज देखे आपने, किस किस तरह के जहाज थे? हर किस्म के जहाज थे, बहुत ज्यादा जहाज भी है, हमने पिक्चर्स भी खींचे उनके साथ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कमिश्नर कराची भी इस वक्त जो है वो बच्चों के आलमी दिन के मौके पर मौजूद हैं। इन कमिश्नर कराची साहब से बात करते हैं कि आया कि आज उनको इतनी बच्चों का हल्ला गुल्ला देखकर अपना बचपन कितना याद आया है और कितना अपना स्कूल की लाइफ को उन्होंने इस वक्त जो है वो महसूस किया है कि वो भी स्कूल लाइफ में थे और किस तरह उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ गुजारी, आज हम बात करते हैं। सर हमें बताइएगा, आप इतना मजमा बच्चों का देखा, तफरी कर रहे हैं बच्चे, आज आलमी दिन है, चिल्ड्रन डे है, तो उस वाले से मैं बताइएगा आपको कितना महसूस हुआ इस वक्त, आप अपना बचपन कितना महसूस कर रहे हैं और बच्चों के लिए तफरी कितनी ज़रूरी है? बड़ा अच्छा वेन्यू है और इवेंट तो ऑफकोर्स बड़ा, बच्चों का आलमी दिन है कल, उस हवाले से प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्कूल प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो मुनक्किद किया गया है, ये जिस तरह से फंड लगा हुआ है यहाँ पर और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इतने अच्छे वेन्यू पर, तो हर एक को अपना अपना बचपन याद आया होगा। लेकिन एक फ़र्क है कि अब आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस है, उनको पता है कि उनको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। आज से एक जनरेशन पहले हम जाएँ, दो जनरेशन पहले जाएँ, तो इतना बच्चों को पता नहीं होता था। यही मैं बच्चों से जो बात कर रहा था, मैंने यही कहा कि जिस तरह से आपको ये चीज़ें पता है ना, आप उसको इन्फॉर्मेशन को अपने और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हमें सिर्फ पता हो, हम उसको सिर्फ खेलें कूदें उसमें, ठीक है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम माशरे को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ये ज़्यादा अहम है। इसलिए मैं इनसे बात कर रहा था कि अब जो अगर खुदा न खासा हैरेसमेंट हो रही है या ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, उसकी निशानदेही करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये जो आजकल नस्ल है ये बड़ी अवेयर है और इनकी अवेयरनेस का ये फ़ायदा हो सकता है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान में प्रोग्रेस हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। बताइएगा कि बच्चों के लिए तफरी, खासतौर पे तफरी के अगर मौके फराम किए जाएं, कितनी ज़रूरी है, खासतौर पे उनकी जहनी हमांगील के लिए, उनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए कितनी ज़रूरी है तफरी? बच्चों का खेलना कूदना बड़ा कम हो गया है, स्पेसिस कम हो गई हैं, शहर में ज़िंदगी थोड़ी सी फास्ट हो गई है, बच्चों को इतना ज़्यादा आजकल होमवर्क मिलता है कि वो पढ़ाई से उनकी ख़त्म ही नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता,
तो एज कमिश्नर मैं हर हफ्ते तकरीबन डिफरेंट इवेंट्स हम करवाते हैं स्कूल्स में और बाहर मोहल्लों में, और इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हम अगर ड्रग्स से या गलत चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं तो बच्चों को हमने स्पोर्ट्स में हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव करना है, और ये जो स्पोर्ट्स है या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों को दूर कर सकती है गलत कामों से और उनको बेहतर शहरी बना सकता है। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल हमारे साथ रफिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो बच्चों को का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यहाँ पीएफ म्यूजियम में बच्चों को तफरी फराम की जा रही है, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और रफिया जो हैं उन बच्चों के साथ घुल मिल गई और बहुत इंजॉय कर रही हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि ये अपना बचपन जो है वो किस तरह मतलब देखती हैं, क्या उनको अपने स्कूल की लाइफ किस तरह उनको याद आई यहाँ पर और किस तरह वो बच्चों के साथ बच्चों को चाहती हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी तफरी भी करें ताकि जो जहनी सलाहियत है उसमें उसको उजागर किया जा सके। हमारे साथ रफिया मौजूद। रफिया मुझे बताएं कि आप आज कैसा लग रहा है आपको, इतने ज़्यादा बच्चों के दरमियान 20,000 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या आपको अपना स्कूल लाइफ इस वक्त याद आ रहा है और आप क्या चाहती हैं कि बच्चों को किस तरह की तफरी फराम की जाए ताकि उनकी जहनी सलाहियतें जो हैं उनको उजागर किया जा सके? आपका सवाल बहुत अच्छा है शाहीन, लेकिन बिल्कुल हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं। जब बच्चे यूनिफॉर्म होते हैं तो हमें भी अपने स्कूल वाले ही दिन याद आते हैं, और ये जो मुस्बत सरगर्मियों का हमने आगाज़ किया है योम इत्तफाल के हवाले से, 20 नवंबर पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, तो हमने इन बच्चों को शऊर देने के लिए कि बच्चों के हुकूक हैं, और बड़ों को भी मोटिवेट करने के लिए कि बच्चों को मारे ना स्कूल के अंदर, ना बच्चों को आप घरों में तशद्दुद करें ताकि इनकी जहनी सलाहियतें जो है ये सवाल पूछ सकें, ये सुन सकें, ये पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें। और हमने ये पूरी जो एक्टिविटीज़ है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो बुलिंग, नो यूज़ ऑफ ड्रग्स, राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ पेरेंट्स, राइट्स ऑफ टीचर्स, ये तमाम थीम जो है पूरा हफ्ता हमने ये रखी है, ये इस वजह से रखी है कि मुस्बत एक्टिविटीज़ हम बच्चों में मुतारफ करा सकें, और अगर बच्चों को हम पढ़ाई के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पॉजिटिव करेंगे रखेंगे, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गए, अवेयरनेस उनके हकूक़ के मुतालिक, तो ये बच्चे मुस्बत अमल के साथ आगे बढ़ेंगे, कल को मुल्क की दौड़ भाग दौड़ में यही हाथ डालेंगे, तो इनके ख्यालात मुस्बत होंगे, इनके अमल मुस्बत होंगे, इनका जो कानून साजी करेंगे वो मुस्बत करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये अच्छा काम किया है सैयद सरदार अली शाह साहब के अहकाम पे, आल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कॉलेज के जो चेयरमैन हैं सैयद हैदर अली शाह साहब, उनके साथ मिलकर, और उसके ये रूह रवां है, हैदर अली शाह ने बहुत बड़ा काम किया है बच्चों को इज़्ज़त नफ्स देने में, बच्चों को उनका क्या मुकाम होना चाहिए माशरे में, बच्चों के हकूक़ का तहफ़ कैसे किया जाए, इसका पूरा क्रेडिट मैं तो गुज़श्ता 3 साल से सैयद सरदार अली शाह साहब के साथ साथ सैयद हैदर अली शाह साहब को दूंगी। डायरेक्टोरेट क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसका ये काम है कि वो सब अनासर को मिलाए जो माशरे को एक फ़ाल किरदार अदा करें। अच्छा, हमारे साथ रफिया ने बताया हमें कि किस तरह बच्चों को तफरी फराम किया जाए, उनके हकूक़ फराम किए जाएँ। अच्छा रफिया, हमें ये बताएं कि बच्चे जिस तरह यहाँ पर घुल मिल गए हैं, बड़े खुश हैं, तो सालाना या स्कूलों में इतनी इस तरह की तफरीही प्रोग्राम किस तरह मुरतब दिए जाएँ कि और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स तो आप देख रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं, तो किस तरह बच्चों के हकूक़ होने चाहिए कि बच्चों को स्कूलों में भी, क्योंकि
हमने देखा है बच्चों के स्कूलों में मैदान नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं जो एक बंगलो पे बना दिए गए हैं, उसमें खेलने की नहीं है, बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खेलो तफरी जैसे एक पीरियड हुआ करता था पहले, कि एक पीरियड है बच्चों का, स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, बच्चों की तफरी का पीरियड होता था, लेकिन वो पीरियड अब नहीं रहा है, तो इस पे क्या असरात मुरतब हुए हैं बच्चों के? देखिए शाहीन, आपका सवाल अगेन कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है। जिन जिन स्कूल्स के अंदर छोटे हैं प्लेग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पे प्लेग्राउंड्स स्कूल हायर करके इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ हफ्ते में 2 मरतबा करवाता है, और ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। लेकिन आपने देखा है इस शहर की आबादी बढ़ गई है, पहले जहाँ बंगलोज थे अब वहाँ फ्लैट हैं। अब इस सिचुएशन में जब आबादी का तनासब जो है 3 गुना ज़्यादा हो, तो ऐसे में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हर स्कूल जो है उसमें वो प्लेग्राउंड हो, लेकिन प्लेग्राउंड को जो है हम इस तरह कवर करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो बाज़ाब्ता प्लेग्राउंड है बच्चों को वहाँ ले जाते हैं स्कूल वाले, और हम उनको ये बाज़ाब्ता कहते हैं और चेक भी करते हैं, और ये बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ होना लाजमी है। आप देखती हैं कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो बच्चों के डिबेट कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स के वीक्स होते हैं, स्काउटिंग के जो वीक्स हैं आप विटनेस करती हैं, हम वो करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों में बच्चों को हम मसरूफ़ रखें, ताकि जो मनफी एक्टिविटीज़ हैं जैसे ड्रग्स हैं या कोई ऐसी गलत चीज़ बच्चे उसका शिकार ना हो। सही। अच्छा रफ़ी, हमें ये भी बताएं कि ये जो ड्रग्स का एक्ट है, क्या कोई ड्रग्स का एक्ट लागू किया गया है कि अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो रहा है या बैरूनी कोई लोग साजिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी बिस्किट के ज़रिए, किसी खाने पीने की अशिया के ज़रिए उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चे को, तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस इसके हवाले से कोई कानून साजी हो रही है इस हवाले से? गुज़श्ता 3 साल से ड्रग्स के ऊपर मुसलसिल हम बहुत बड़े सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें स्कूल्स की प्रिंसिपल्स, हेड्स और असाज़ा और बच्चों को बुलाते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं कि नशा किस किस चीज़ में कैसे कैसे बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, और हम ANF के साथ मिलकर भी हमने सेमिनार किए हैं अवेयरनेस के। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने कानून साजी की है, हमारे जो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूल्स बन रहे हैं उसमें हम 2 मिलियन की पेनल्टी रख रहे हैं कि अगर किसी इदारे में कोई बच्चा इस अमल में पाया गया तो उस इदारे पे 2 मिलियन की पेनल्टी होगी। मिनिस्टर एजुकेशन बहुत संजीदा है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, और यही रीज़न है कि डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोशा है कि मुस्बत एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों को रागब किया जाए। अच्छा मुझे बताएं मैडम, कोई पैगाम देना चाहेंगी बच्चों को, ख़ास तौर पर आलमी दिन है बच्चों का, उस हवाले से बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़ास तौर पे? मेरा एक ही पैगाम होगा बच्चों के लिए कि आप सब पढ़ें, आगे बढ़ें, इल्म का हिस्सा बने, इल्म सीखें सिखाएं, और वालदेन को ख़ास गुजारिश करूंगी कि जितना भी हो सके अपने बच्चों को तवज्जो दें, टाइम दें, बच्चों को सिर्फ पैसा हाथ में न दें, ये भी देखें वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ाएं, ताकि पता चले कि ये सारा काम सिर्फ स्कूल का नहीं है, वालदेन की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई में हिस्सा डालें। मैं आपके चैनल के तवस्त से तमाम वालदेन को गुजारिश करूंगी कि जितना भी हो सके अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनके साथ मिलकर टाइम गुजारें, उनकी तालीम और सेहत का फिक्र करें। जैसा कि रफिया ने हमें बताया कि बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में नाज़रीन यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत तफरी कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, बच्चों की मतलब खुशी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल जैसे पेरेंट्स के भी साथ हैं, टीचर्स के साथ बहुत खुश हैं। हमने ये देखा है कि जो पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं पिकनिक पर या तफरी के लिए, तो वो इतनी खुशी नहीं होती जितने वो अपने टीचर्स के साथ आते हैं, असातिज़ा के साथ आते हैं, बहुत खुश हैं। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।
जी हाँ नाजरीन, एक दफ़ा हम फिर बताते चले कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम पीएफ म्यूजियम में आज मुनक्किद किया गया था और आलमी अतफाल के हवाले से उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, इनसे बात करते हैं कि इतना बड़ा जो प्रोग्राम, इतने स्कूल के बच्चे, तकरीबन 20 से 22 हज़ार बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कराची भर से प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और तफरी कर रहे हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए हैं, नगमे पेश किए हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया नगमों के ज़रिए। हम जानते हैं कि इतनी बड़ा इन्होंने यहाँ पर पीएफ में ऑर्गेनाइज़ किया है, सलीम साहब ने इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया और इतने बड़े बच्चों को ऑर्गेनाइज करना, इतनी बड़ी तादाद में लाना किस तरह मुमकिन है। सर मुझे बताइएगा, सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुझे बताइए, इतनी बड़ा मतलब पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना, इतने स्कूल्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, छोटे बच्चे प्राइमरी के भी मौजूद हैं, सेकेंडरी के भी मौजूद हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा कि कोई गहमा गहमी नहीं है, बच्चों में बड़ा मैनर्स के साथ बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ बच्चे तफरी कर रहे हैं बड़ी तादाद में, यहाँ आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम भी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, खासतौर पर हम टैबलो देख रहे हैं बच्चे पेश कर रहे हैं, मुल्क के हवाले से बड़े नगमे बच्चे पेश कर रहे हैं, तो इतना बड़ा किस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल के 21 का कि आप यहाँ पर आए और आपने आज बच्चों की परफॉर्मेंसेज यहाँ पर देखी। बेसिकली लास्ट ईयर भी हमने इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया था और तकरीबन 15,000 बच्चा हमारा यहाँ पर जो है लास्ट ईयर मौजूद था। इस दफ़ा हमने ये सोचा कि एक हल्ला गुल्ला होता है और हल्ला गुल्ला होने के बाद वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक गैर निसाबी सरगर्मी हम बच्चों को फराम करते हैं, तो इस दफ़ा हमने इसकी थीम को थोड़ा सा चेंज किया और जो चिल्ड्रन डे है वो उसको हम पूरे वीक के ऊपर लेकर चले गए और उसको हमने थीम बेस्ड चिल्ड्रन बना दिया कि क्योंकि यूथ के ऊपर इस वक्त इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो कौमें यूथ पर काम नहीं करती वो कौमें हमेशा तबाही की तरफ जो है वो रागिब हो जाती हैं। तो स्कूलों के अंदर एक गैर निसाबी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अवेयरनेस सेशंस ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना, ऐसी तकरीबात का होना जो है वो बिल्कुल खात्मा हो चुका है और वालदेन भी जो है वो एक ग्रेड की दौड़ के अंदर जो है वो लग चुके हैं कि बच्चा किसी तरीके से पास हो जाए, A1 ग्रेड ले ले, मैट्रिक पास कर जाए, उसके बाद उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। एक जो ग्रोथ है, एक जो इंसानियत है या जो एक बच्चे की शख्सियत है, वो शख्सियत का निखार ख़त्म होता हुआ चला जाए। हमने बच्चे को एक मशीन बना दिया, यानी कि बच्चा सुबह स्कूल गया, दोपहर को मदरसे चला गया और मदरसे चलने के बाद फिर वो उसके बाद कोचिंग सेंटर चला गया। तो इस किस्म की अवेयरनेस और फिर जैसे आजकल आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स के बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गया है और इसी तरीके के साथ वालदेन का और स्कूल के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप और एक बहुत बड़ा खला पैदा होता हुआ जा रहा है और सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म होती हुई जा रही है। जबकि दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या यूथ के ऊपर काम कराया जाता है तो वो सिविक्स को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो उस मुल्क के, उस शहर के कारामत शहरी बन सकें। तो उसी सोच को मद्देनजर रखते हुए 4 दिन हमने स्काउट ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम रखा जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ थीम्स रखी हैं। आपने बैनर भी यहाँ पर देखे होंगे, सिटीजनशिप का बैनर था, ड्रग्स की अवेयरनेस थी, वालदेन के और स्कूल्स के दरमियान या टीचर्स के दरमियान जो गैप से उन गैप्स को हमने फिल करने की कोशिश की। तो इस सोच के साथ हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और फिर आप सबसे बड़ी एक खूबसूरती इस प्रोग्राम की देखें कि इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन कराची के हर कॉर्नर का बच्चा जो है वो मौजूद है, दही इलाके का बच्चा भी मौजूद है, शहरी इलाके का भी बच्चा मौजूद है, रूरल से भी हैं, अर्बन से भी हैं, वो बच्चा भी मौजूद है जो स्कूल के अंदर 100 रुपया फीस पे करता है, वो बच्चा भी मौजूद है जो 500 रुपये फीस पे करता है, वो बच्चा भी मौजूद है जो 1000 रुपये फीस पे करता है और वो बच्चा भी मौजूद है जो 5000 फीस पे करता है। यानी कि हमने एक ऐसा गुलदस्ता जोड़ा है कि जिसके अंदर हमने एक तफरीक ही ख़त्म कर दी कि ये 5000 स्कूल का बच्चा है या 100 का है, वो बच्चा भी आके स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है और बच्चों के अंदर जो पोशीदा छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको हमने बेसिकली अवेयर करना था। इस प्रोग्राम को, बच्चों के दिन को सेलिब्रेट करने का असल मकसद, असल कॉज हमारा ये था कि हम अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर जो है वो काम करें। अच्छा सर मुझे बताएं, बच्चों के लिए तफरी, हम देखते हैं कि बच्चों को एक मशीनरी बना दिया, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे मशीनरी बन गए हमारे यहाँ,
तफरी कितनी जरूरी है, इनकी जिस्मानी सेहत के लिए, इनकी जहनी सेहत के लिए कितनी जरूरी है बच्चों की? देखिए बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जितना घंटा बच्चा तालीम को देता है उससे ज्यादा बच्चे को खेलना चाहिए, बच्चे को प्ले करवाना चाहिए, उसको स्पोर्ट्स के ग्राउंड फैसिलिटेट करनी चाहिए, पार्क्स देने चाहिए। लेकिन एक बड़ा अलमिया है हमारे शहर का भी, हमारे मुल्क का भी, कि जो बच्चों की तफरी जगहें या तो हमने वहाँ पर टिकट्स लगा दिए हैं, ठीक है, या हमने उनको तजारती या कमर्शियल बेसिस के ऊपर यूज़ कर लिया है, और जो जगहें बच गई हैं उनके ऊपर कब्ज़ा माफिया ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। तो इस वजह से बच्चों को कराची जैसे जो शहर है उसके अंदर, यानी कि जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे ना पार्क्स हैं ना ग्राउंड हैं, बच्चे जब गली मोहल्ले के अंदर खेलते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो बड़े तंग होते हैं, एरिया के लोग बड़े तंग होते हैं, कुछ ज़ईफ़ुल उम्र लोग होते हैं जो घरों के अंदर रहते हैं, कुछ बीमार होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खुलकर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम नहीं होता। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक दौड़ पैदा हो गई है ग्रेड्स की, कि बस किसी तरीके से मेरा बच्चा A1 ग्रेड लेकर आ जाए, उस A1 ग्रेड के चक्कर के अंदर हमने अपने बच्चे की शख्सियत को बिल्कुल जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। जब देखिए तीन चीज़ें होती हैं, आप जब तक सेहतमंद नहीं होंगे तो आप मुझे ये बताएं कि बच्चा अगर सेहतमंद नहीं होगा तो वो तालीम कैसे हासिल कर सकेगा? अगर वो अच्छा डॉक्टर भी बन जाता है, अच्छा इंजीनियर भी बन जाता है, और कल अगर वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, बीमार रहता है, तो उसके अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर बनने का कोई भी फायदा नहीं है। ये तीन चीज़ें आपके माशरे के अंदर ज़रूरी है, और जो जो गवर्नमेंट्स इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं वही कौमें जो है वो तरक्की करती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहला सेक्टर आपका सेहत का आता है, दूसरा सेक्टर जो आपका आता है वो आपका आ जाता है एजुकेशन का, और तीसरा सेक्टर आपका आ जाता है हेल्थ लॉ का, कानून का। बच्चा सेहतमंद होगा तो वो तालीम हासिल करेगा, जब वो तालीम हासिल करेगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो फिर लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, कानून की पासदारी करेगा। आज जो हमारे मुल्क के अंदर लाकानूनियत है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों के पास कागज़ की डिग्रियां तो मौजूद हैं लेकिन उनके पास उन जो डिग्रियां दी गई हैं उसकी तालीम मौजूद नहीं है। अगर उसकी तालीम मौजूद होती तो आज हमारे मुल्क के अंदर इतनी लाकानूनियत नहीं होती, हम कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। आप यूरोप में चले जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएं, वहाँ पर बच्चों को बाकायदा तौर के ऊपर सिविक सिखाई जाती है कि बेटा ये रेड सिग्नल है, यहाँ पर आपने गाड़ी रोकनी है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपने गाड़ी को चलाना है, आपको लाइसेंस मिलेगा तो आप गाड़ी को जो है वो चला सकते हैं। हमारे यहाँ पे 10 साल का 15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, वो अपना तो नुकसान करता ही करता है लेकिन साथ में वो जिसको मारता है उसके घर का चिराग या तो वो बुझा देता है या उसके घर का जो वसीला होता है, जो जराए होते हैं, अगर किसी शख्स की टांग टूट जाती है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग वालदैन ये कहकर जी बच्चा है माफ कर दें, कानून ये कहकर छोड़ देता है जी बच्चा है माफ कर दें। तो जब इस किस्म के मामलात या इस किस्म की चीज़ें होंगी तो कला कानूनियत भी बढ़ेगी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम से ज़्यादा बच्चे का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अब स्कूल जो हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो मतलब एक घर के अंदर, छोटे से घर के अंदर बना दिए गए हैं, वहाँ ग्राउंड नहीं है, बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई उनकी कोई पीरियड जैसे होता था कि गेम्स का पीरियड हो रहा है, अब वो मौजूद नहीं है, तो इसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि देखें कहीं पर भी जब कोई तालीमी इदारा खुलता है तो तालीम को भी तो हमने इस वक्त तिजारत बना दी है, सिंपल सी बात है। और तालीम जो है वो, यानी कि कहीं पर भी एक कमरे, ठीक है कि आप किसी बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसको एक कहेंगे कि ये दर्जगाह है तो उसको आप दर्जगाह का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक कमरे या दो कमरा जो है वो दर्जगाह नहीं है। दर्जगाह के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर आपकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपकी लेबोरेटरी होनी चाहिए, बच्चों का प्ले एरिया होना चाहिए, उसके अंदर वो एक स्कूल जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कहलाता है। और हमें बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि ऐसे ऐसे स्कूल खुल रहे हैं और ऐसे ऐसे स्कूल खुले हुए हैं कि जिनके मालकान का या जिनके ऑनर्स का तालीम से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, जिसकी वजह से जो इदारे सही तरीके से तालीम दे रहे हैं वो भी जो है वो बदनाम होते हुए जा रहे हैं। तो तालीम जो है उसको मैं बिल्कुल के नबियों की मीरास है, और इससे मैं तो समझता हूँ कि जितनी इज्जत
और जितना मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ मैं अपने इदारे के तवस्सुत के साथ पहुँचा हूँ। और कहीं पर भी मैंने अपने तालिबे इल्म को या किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को इस चीज़ की तलकीन नहीं की कि आप अगर हम आपके बच्चे को नकल कराएं या उसको डिग्री, हमें अपने सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे तो उस वक्त तक ये माशरे के अंदर ये बिगाड़ जो है वो ठीक नहीं हो सकता। चंद वोटों की खातिर, चंद नोटों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर हम अपनी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। अब उस नौजवान नस्ल जिसके पास A1 ग्रेड की डिग्री है, जो बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन लेता है, और उसको अगर एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, एक दरखास्त लिखना नहीं आती, वो अपनी एक कंपनी नहीं संभाल सकता, अपने वालिद का एक कारोबार यानी कि उसकी तहरीर वो नहीं कर सकता, तो ऐसे कागज के टुकड़ों का कोई भी फायदा नहीं है। ये वालिदैन को सोचना चाहिए। और सिर्फ इस आखिरी बात के साथ कि तालीम जो है ना, तालीम अच्छे और बुरे की तमीज़ देती है, ये वालिदैन के लिए एक मैसेज है। तालीम कहीं पर भी जो है वो नौकरी नहीं देती, तालीम सिर्फ अच्छे और बुरे का शऊर देती है। अगर आप अपने बच्चे को ये सोचकर तालीम हासिल करवाते हैं कि ये डिग्री ले लेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा बनेगा, तो आपके सामने मोची भी है जो अनपढ़ जाहिल है, एक बस चलाने वाला जो अनपढ़ जाहिल है वह इस वक्त लाखों पति करोड़ों पति बना हुआ है, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, उसके पास तो कुछ ऐसी चीजें नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, अंगूठा छाप लोग हैं वो सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमने, आपने, हम सब ने मिलकर इस फेलियर को जो है वो दुरुस्त करना है। सर, बच्चों को खासतौर पे अपने वालदैन को तो एक पैगाम दे दिया, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है तो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों को मेरा यही पैगाम है कि अपने वालदैन को जो है वो उनका एहतराम करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। और इस वक्त हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि पहले हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें दे दी गई, क्लाशनकोव दे दी गया, हेरोइन चर्च के ऊपर लगा दिया गया। अब जैसे जैसे ज़माने ने जो है वो तरक्की की, जिद्दत आई, तो जो दुश्मन है हमारे, उन्होंने हमारे बच्चों के अंदर एक नया हथियार ये मोबाइल फ़ोन दे दिया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ना सिर्फ जिस्मानी तौर के ऊपर कमजोर हो रहे हैं बल्कि ज़हनी तौर के ऊपर भी कमजोर हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है ऑल प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एसोसिएशन के सदर, हमारे पास साथ मौजूद है हैदर अली साहब। उनसे बात करते हैं कि आया कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, इतने सारे स्कूलों को यहाँ पर इकट्ठा किया, बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया, मतलब एक मामूली बात नहीं थी कि यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना। हैदर अली साहब के बारे में मैं बताती चलूँ कि हैदर अली साहब जो है एसोसिएशन के सदर हैं, और कोई भी मामला हो स्कूलों के हवाले से, कोई भी मीडिया में कोई अगर खबर लीक हो जाए तो हैदर भाई फौरन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और ख़ास तौर पर मीडिया से इंटरेक्ट रहते हैं। हैदर भाई के बारे में बताना चलूँ कि स्कूल के ख़ास तौर पे बच्चे बड़े अटैच हैं इनसे, हमने देखा बच्चे चले आते हैं सलाम करें हैदर भाई को, मतलब एक सिर्फ इनके ही स्कूल के नहीं बल्कि तमाम स्कूलों के बच्चे जो है इनसे मुतासर हैं। हैदर भाई से पूछते हैं कि आया कि चूँकि तफरी का मौके बच्चों को फराम किए और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चों को इकट्ठा किया, तो ये कितनी ज़रूरी है और बच्चों की ख़ास तौर पर नशोनुमा के लिए, उनकी ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए कितनी ज़रूरी है? हैदर साहब हमें बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में आपने यहाँ बच्चों को इकट्ठा किया और इस तरह के प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ख़ास तौर पर चिल्ड्रन डे के हवाले से आपने पूरा वीक जो है प्रोग्राम्स मुरतब किए, और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चों को PF म्यूज़ियम में इकट्ठा करना और बड़ा मैनेज थी चीज़ें, तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, उस हवाले से इस साल सिंध के सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब की खसूसी हिदायत और ज़ाती दिलचस्पी के सबब और उनके कहने से डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे को यादगार तरीके से मनाने के लिए 14 नवंबर से 19 नवंबर तक पूरा एक हफ्ता चिल्ड्रन वीक के तौर पर मनाया। इस चिल्ड्रन वीक की जो ख़ास बात थी, इनफरादियत थी, वो उसका थीम बेस्ड होना था। हर दिन हमने एक थीम के साथ, एक ख़ास उनवान के साथ, मौजू के साथ
उस दिन को मनाया भी और स्कूलों में वो तमाम सरगर्मियाँ उस हवाले से मुनक़िद भी की गई। और आज ये आखिरी दिन इस हफ्ते का जो चिल्ड्रन वीक 2022 था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के हवाले से पीएफ म्यूज़ियम कराची में 20,000 से ज़्यादा बच्चे और 4,000 से ज़्यादा असातिज़ा इस ग्रैंड कार्निवल का हिस्सा हैं। और इसमें कराची के अलावा हैदराबाद से, मीरपुर खास से, टंडोलायार से, सांगढ़ से और खैरपुर और सक्खर से बच्चों ने, उनके असातिज़ा ने, स्कूल मुंतज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अच्छा साहब, हमने ये सवाल, मैं फिर दोहराऊंगी एक दफ़ा अपना ये सवाल कि ये तफरी बच्चों के लिए खासतौर पर हम, क्योंकि तालीमी बोझ बच्चों पर बहुत ज़्यादा लाद दिया गया है, बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद हैं बच्चों की, बच्चे स्कूल से 2 बजे आते हैं, फिर मदरसे चले जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन का एक है कि क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो ए ग्रेड हासिल करे, A1 ग्रेड हासिल करे, और बहुत मतलब ये कि सिर्फ तालीम में ही लगा रहे, ना ही उसको खेल का मौका मिले, ना ही उसको तफरी का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे कि कितनी ज़रूरी है बच्चों की ज़हनी सलाहियत को उजागर करने के लिए ये तफरी? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि हम सिर्फ बच्चों की क्या तालीमी और एकेडमिक जो काबिलियत है या एबिलिटी है उसको ही बच्चों का कुल असासा समझें, या इसके अलावा भी हम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से सोच और समझ सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश किए देता हूँ आपके तवस्सुत से कि हर एक को अब ये समझना होगा कि बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो ज़हनी काबिलियत है, उसके साथ साथ जो बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट है और जो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ज़्यादा अहम होती है। और रिसर्च ये कहती है कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी ज़हनी काबिलियत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% इस्तेमाल होती है, जबकि 80% किसी भी शख्स की कामयाबी में, उसकी तरक्की में किरदार जो होता है वो उसकी समाजी जो नशोनुमा होती है और जो उसकी जज्बाती नशोनुमा होती है उसका होता है। तो हमने ये पूरा हफ्ता उस 80% बच्चे की कामयाबी में किरदार अदा करने वाली जज्बाती नशोनुमा और उस जो सोशल डेवलपमेंट है उसके हवाले से मुनक़िद किया। और यहाँ हमने देखा कि स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद आई, असातिज़ा की एक बहुत अच्छी तादाद भी मौजूद थी, हमारे मेहमानाने गिरामी थे और हम सब ने मिलके बच्चों की जज्बाती और बच्चों की समाजी नशोनुमा पर खुलकर बात की। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा फ्रॉम क्लास मैट्रिक। मैं स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम दी स्मार्ट ग्रामर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे वालदन हमें बहुत कहते हैं कि आप लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप वगैरह चलाते हो, पर हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि फिर हम ऐसे नहीं हैं, हमारे को कोई ग्राउंड मिले, कोई चीज़ ऐसी जगह मिले कि हम उधर खेल सकें, हम जिस्मानी खेल खेलते हैं। अभी देखें, हम पीएफ म्यूज़ियम आए, इधर खेल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल वगैरह नहीं चलाते, लैपटॉप वगैरह नहीं चला रहे, पर हम खेल रहे हैं इधर आके। और हमारे वालदेन को चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी वगैरह है उन्हें हमारे को ग्राउंड एक मिले, प्ले मिले जिसमें हम खेलें वगैरह और खेल कूद करें। सिर्फ मोबाइल चलाना एक गेम नहीं होता है, एक मोबाइल में गेम खेलना नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती है, बहुत सी बुरी चीज़ें भी होती है, हमारे को एक ग्राउंड मिले हम उसमें खेल सकें। जी बेटा, आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल से ताल्लुक है और यहाँ आपने कितना इंजॉय किया और कितने जिस्मानी खेल खेले यहाँ पे? मेरा नाम महनूर है और जो है वो हम मंडीना पब्लिक स्कूल से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर फुटबॉल जो कि मेरा फेवरेट वो है गेम है, बहुत मज़ा किया यहाँ पर हम लोगों ने। और बाकी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब यहाँ पर आएँ, चिल्ड्रन डे मनाएं और मतलब और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जहाँ पर सब स्कूल्स आएँ और फिर साथ में मज़ा करें। अच्छा, जिस्मानी खेल कितना ज़रूरी है? जिस्मानी खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग सारा दिन मोबाइल में ही रहते हैं, अपना भी सच बताऊँगी मोबाइल में ही चलाती हूँ, लेकिन साथ साथ में जो है वो बाहर की एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जिस्मानी खेल भी खेलना चाहिए। हमारे साथ एक 8 क्लास की स्टूडेंट जेवेरिया मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जिस्मानी खेल खेले हैं और इनका फेवरेट खेल कौन सा है। जेवेरिया, मुझे बताएं कौन से स्कूल से आपका ताल्लुक है और कौन सा खेल आप बहुत शौक से खेलती हैं?
मिस मेरा स्कूल से बिलोंग, मैं मॉन्टीना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कोचिन नदी से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे खेल गेम्स खेली हैं। मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है और मैंने आज बहुत इंजॉय किया है गेम खेल के। और हमें घर बैठने से जब बाहर आउटिंग करनी चाहिए, हमें बाहर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, अपनी मतलब सेहत के लिए अच्छा है हमारी। हम देखते हैं यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मोटे हो रहे हैं, तो क्या उसकी वजह यह है कि बच्चे सिर्फ लैपटॉप में लगे रहते हैं या मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं, तो क्या जिस्मानी खेल कितने ज़रूरी हैं? मिस जिस्मानी खेलना बहुत ज़रूरी है और हमें इतना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाहिए, बाहर आउटिंग करनी चाहिए, बाहर हमें फुटबॉल स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, इतना हमें फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए, घर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अच्छा, हमें बताएं कि यहाँ पर आप, एक तो आपने स्कूल का नाम बताया, आपके स्कूल का नाम क्या है, नाम क्या है आपका, और हमें बताएं कि यहाँ पर पीएफ म्यूजियम में आप लोग आए हैं, यहाँ चिल्ड्रंस का आर्मी दिन के हवाले से यहाँ प्रोग्राम्स मुरतब किए गए, कितना आपने यहाँ पर इंजॉय किया, लोग आपके जो स्टूडेंट साथी मौजूद थे उनके साथ कौन कौन से गेम आपने खेले, कौन सी जगह आपने यहाँ पर देखी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम फातिमा शेख है और मैं मॉन्टीना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हूँ और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ज़्यादातर तो हमने विंटरलैंड इंजॉय किया जो कि यहाँ पे अभी मतलब न्यू बना है, पिछले साल जब हम आए तो यहाँ नहीं था, अब हम आए तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा एक मरी वाला सिस्टम किया हुआ है ताकि बंदा जो ना अफोर्ड कर सके वो भी बंदा देख सके कि किस टाइप की मतलब बर्फ़ वगैरह होती है, मतलब इस टाइप से वहाँ गेम्स वगैरह भी थे, हर चीज़ थी, सब ने इंजॉय किया, पिक्चर्स लिए, सब ने झूले वगैरह थे, सब कुछ इंजॉय वगैरह किया। क्या क्या था विंटरलैंड में आपने जो देखा? वहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें थी, जैसे एनिमल्स वगैरह भी थे, बर्फ़ के थे वो भी, और जो बलून्स वगैरह ऐसी चीज़ें थी और स्लाइड्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी वो भी मतलब पूरा बर्फ़ से कवर किया हुआ था उन्होंने, और गाड़ियाँ वगैरह जैसे आम पार्क्स वगैरह में होती हैं इस टाइप की उन्होंने बर्फ में ही बनाई हुई थी। ये टेम्परेचर देखा था आपने वहाँ का कितना था? -10 टेम्परेचर जी। आपने कितना एंजॉय किया, मतलब क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई यहाँ पर आकर, मतलब यहाँ 4-5 घंटे आपने एंजॉय किया? बहुत अच्छी फीलिंग आई, मतलब अच्छा लगा कि इतना अच्छा सिस्टम कराची में मौजूद है, हम इंजॉय कर सकते हैं यहाँ भी, मरी जाने की इतनी कोई नीड नहीं हो सकती, यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बताएं जब पेरेंट्स के साथ आते हैं तो ज्यादा एंजॉय किया या अपने टीचर्स और अपने कोलीग्स के साथ आप यहाँ पर आई हैं तो आपने ज्यादा एंजॉय किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स के साथ आया नहीं जाता क्योंकि फैमिली इश्यूज वगैरह होते हैं इस वजह से, तो इसलिए ज़्यादातर हम स्कूल वालों के साथ आते हैं। वैसे स्कूल वालों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं और हम बड़े भी हैं तो हमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता इतना, तो हम अपनी मर्जी से जाते हैं। बेटा मुझे बताइए आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से हैं, यहाँ आपने कितने घंटे यहाँ गुजारे और पहली दफ़ा जो है पूरा वीक मनाया गया चिल्ड्रंस डे के हवाले से, तो किस तरह की फीलिंग थी आपकी यहाँ पर? मेरा नाम किंजा है और मैं मॉन्टीना पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमने बहुत इंजॉय किया और हमें आना चाहिए स्कूल के साथ, वैसे घर के साथ तो इतना आना नहीं होता बट स्कूल के साथ हमने बहुत इंजॉय किया है और हमें आना भी चाहिए। बहुत सारी स्पीचेस हुई, काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। आपने पार्टिसिपेट किया किसी प्रोग्राम में? नहीं, हमने पार्टिसिपेट तो नहीं किया लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको देख के बहुत अच्छा लगा। कमिश्नर कराची आपके दरमियान थे, कैसा लग रहा था आपको कि यहाँ इस शहर के सरबरा आपके साथ मौजूद थे? हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम उनके साथ थे और हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था हमें कि हाँ हम यहाँ आए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमने ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, अगर उनको सिर्फ किताबों तक महदूद कर दिया जाए तो उनकी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सलाहियत भी मुतासिर होती है। नाज़रीन, यहाँ हमने देखा पीएफ म्यूजियम में आज सारा दिन बच्चों ने जिस तरह तफरी की, जिस तरह वो भागे दौड़े, ख़ास तौर पे उनकी जो जिस्मानी एक्सरसाइज है, जिस्मानी वर्जिश है, वो बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि पाकिस्तान में डायबिटीज का मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे जिस्मानी काम जो है उनका बहुत ज़्यादा तर्क हो चुका है और बच्चे सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर तक ही महदूद रह गए हैं। अगर वालदैन, टीचर्स, असातिज़ा उनको इस तफरी जैसे तफरी के मौके फराहम करें तो उनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियत में बेतहाशा इजाफा हो सकता है।
यही बच्चे हैं जो आगे चलकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे जो शोभाजात हैं उनमें अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाएंगे। नाज़रीन, हमने देखा कि यहाँ पर सारा दिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिस्मानी एक्टिविटी की। अगर उनको मौके फराम किए जाए तो बच्चे जिस्मानी काम करना चाहते हैं, वो कंप्यूटर और लैपटॉप तक या मोबाइल तक महदूद नहीं रहना चाहते। ये इस आज पीएफ म्यूजियम में ये मुंह बोलता सबूत है कि बच्चे जिस्मानी एक्टिविटी करना चाहते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़।